हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, बट उसके अंदर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डिफरेंट वे से होता है। तो इसी पार्ट को लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, जिस एक्टिविटी में हमें बोला गया है कि अडल्ट की सुपरविजन में हमें क्या करना है, ग्रीन लीव्स को बॉइल करना है। बॉइल सम वाटर इन ए कंटेनर एंड प्लेस ए लीफ इन इट फॉर अबाउट 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के लिए हमें क्या करना है, ग्रीन लीव्स को पानी में उबालना है। रिमूव द लीफ फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर से बाद में लीफ को निकाल लेना है। प्लेस इट इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर इनफ अल्कोहल, सफिशियंट अल्कोहल लेके उसमें हमें लीफ को डुबाना है एंड लीफ वाली जो टेस्ट ट्यूब है फिर से गर्म पानी में रखनी है। थोड़ी देर के बाद टेस्ट ट्यूब में जो अल्कोहल है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो हमें उस लीफ को पानी से निकाल लेना है एंड उसको ऑब्जर्व करना है क्या होगा, क्या होगा 5 मिनट के बाद। आपका जो लीफ था वो लगभग कलरलेस हो चुका है। लीफ को अच्छे से टैप वाटर से आपको वॉश करना है। एक डिश में लेके उसके ऊपर आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अब देखो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद आपका जो लीफ है थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिखेगा, ब्लूइश वायलेट कलर का दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रूव्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव्स। सनलाइट में जो भी लीव्स खाना बनाता है वो फूड बनाता है और फूड कार्बोहाइड्रेट जो है उस लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ जब भी कंबाइन हो जाता है वायोलेट ब्लूइश कलर दिखाता है। ये यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, वाई इज़ द लीफ वॉज बॉइल्ड इन ए वाटर, लीफ को पहले बॉइल क्यों किया जाता है, ताकि लीफ के ऊपर जो एक थीन पतली सी लेयर है वो भी सिंप्लीफाई हो जाए, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो भी ईजी हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, लीफ को बॉइल करते हैं। लीफ बॉइल करने की वजह से उसको ऊपर का लेयर जो है सॉफ्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एंड क्यूटिकल एंड लीफ क्या हो जाते हैं, आपकी किल हो जाती है, उसमें से जो प्रोसेस चल रही है वो स्टॉप हो जाती है। इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, लीफ को बॉइल करते हैं इस प्रोसेस से पहले। हमें और एक एक्टिविटी बुक में दी गई है, हमें बोला है जर्मिनेट ए फ्यू मूग्स सीड्स इन टू द 2 सेपरेट कंटेनर। 2 सेपरेट कंटेनर में हमें मूग को सीड आने के लिए डाला है। नॉर्मली घर में मम्मी करती क्या है, एक मूग लेती है किसी छोटी सी कटोरे में और उसे भिगो के रखती है कुछ रात भर के लिए और दूसरे दिन उसे कपड़े में बांध के रखती है तो उसके स्प्राउट निकल आता है। बट अगर ये हमको क्या करना है, कुछ मूग के दाने जो है अंधेरे में रखने हैं और कुछ जो है उजाले में रखने हैं। जो मूग है जिनको हम उजाले में रखेंगे उनके अंदर जो है स्टार्च प्रोड्यूस हो जाएगा, बट जो अंधेरे में रखे उनके अंदर स्टार्च बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और हमें उनके ऊपर आयोडीन की टेस्ट लेनी है। जिनको हमने उजाले में ग्रो किया उनकी आयोडीन की जो टेस्ट है उसका रिजल्ट हमें ब्लू मिलेगा। ओके, तो ये क्या प्रूव कर रहा है, प्लांट्स कैनॉट मेक ए फूड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, हेंस द सीडलिंग्स ग्रोन इन ए डार्क डो नॉट हैव ए स्टार्च। इसका मतलब क्या है, अगर डार्क रूम में अगर हम मूग को स्प्राउट कराते हैं तो उसको उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होने वाला, क्योंकि विदाउट सनलाइट प्लांट जो है फूड नहीं बनाती। ये 2 एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे भूली है, इन डार्क और इन नॉर्मल लाइट। डार्क में क्या हुआ, नो स्टार्च, कोई भी स्टार्च उसके अंदर नहीं बना, बट नॉर्मल सनलाइट में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उनके अंदर स्टार्च बना है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है। इसी के साथ हमें और एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में हमें क्या बोला है, एक बीकर लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके साथ साथ हमें हाइड्रिला प्लांट चाहिए, ओके, एंड एसेंस स्टिक्स भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले वाले स्टेप में बोला गया है, टेक ए फ्यू स्टेम ऑफ ए हेल्दी हाइड्रिला प्लांट एंड इमर्स देम इन ए बीकर फिल्ड विद ए वाटर। एक बीकर में हमें हाइड्रिला प्लांट डालनी है, ओके, अच्छी वाली चाहिए। प्लेस इन एन इन्वर्टेड फनल ओवर द स्टेम, एक हमें इन्वर्टेड फूड फनल जो है उल्टा करके इसमें डालना है। फिल द टेस्ट ट्यूब कम्प्लीटली विद ए वाटर, हमें एक टेस्ट ट्यूब जो है वाटर से फिल करनी है और उसके ऊपर रखनी है। चूज द टेस्ट ट्यूब विथ योर थंब, केयरफुली इन्वर्ट इट ओवर द फनल। हमें ये थंब लगा के उल्टी क्यों डाली है, ताकि जब भी हम इसे पानी के अंदर डिप करेंगे इसके अंदर हवा ना चली जाए। थंब लगाने की वजह से जब हम पानी में थंब खोलेंगे इसके अंदर हवा नहीं जाएगी एंड हमें चेक करना है क्या जो हाइड्रिला प्लांट है रेस्पिरेशन करती है या नहीं। उसके अंदर जो भी गैस निकलेगी हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करनी है। प्लेस द बीकर इन ए ब्राइट सनलाइट, ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब, यू विल सी द बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द प्लांट। क्योंकि क्या होता है, सनलाइट में प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल आएगी, आपको उसके बबल जो है
टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होते दिखाई देंगे। अलाउ द गैस टू फिल 3/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब, गैस को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होने देना है, इट विल रिप्लेस वाटर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है बाहर निकल आएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। केयरफुली रिमूव द टेस्ट ट्यूब बाय लिफ्टिंग इट वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस विल प्रिवेंट द गैस फ्रॉम एस्केपिंग, डू नॉट टिल्ट द टेस्ट ट्यूब इवन स्लाइटली, टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है, नहीं तो गैस उसमें से चली जाएगी। और हमें क्या करना है, इंसर्ट द लाइटन इसेंस स्टिक इन टू द टेस्ट ट्यूब, हमारी जो अगरबत्ती होती है उसे जला के उसके अंदर हमें डालना है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसेंस स्टिक विल ग्लो ब्राइटली, हमारी जो अगरबत्ती है अच्छे से जलेगी, ब्राइट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो भी गैस उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। ये प्रूव करता है प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या करती है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, एंड हाउ वेयर द प्लांट्स एबल टू रिलीज ऑक्सीजन। तो सवाल आता है प्लांट्स ऑक्सीजन को कैसे रिलीज करती है, प्लांट ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज करती है। क्या प्लांट्स को अलग अलग गैसेस भी चाहिए होते हैं, हाँ प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, प्लांट नीड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर बट प्लांट्स कैनॉट यूज इट डायरेक्टली, प्लांट्स यूज सर्टन वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल। एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है बट प्लांट सारा नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर पाती, बट प्लांट क्या करती है फर्टिलाइजर के अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पानी के अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे यूटिलाइज कर लेती है। ए गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर मेड बाय बैक्टीरिया राइजोबियम, दे लाइव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज ए नोड्यूल जर्म, नोड्यूल ग्राम्स, पीज, बीन्स। दिस बैक्टीरिया टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इन टू द वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक ए प्रोटीन्स। कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब दाल वर्गीय जो वनस्पति होती है उनके रूट के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स गांठ आ जाती है, एंड उनके अंदर राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे फिक्स करके उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है वो प्लांट के लिए वाटर सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, तो प्लांट उससे प्रोटीन बनाती है। ये जो टोटल प्रोसेस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरियाज जो है नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द वाटर सोल्यूबल फॉर्म। सो प्लांट क्या करती है वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन लेके उससे प्रोटीन्स बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हेन सच प्लांट डाई एंड डिके द नाइट्रोजन सब्सटेंसेस मिक्स इन टू द सॉइल, ये फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं जब भी वो प्लांट डेड हो जाएगी। आफ्टर प्लांट एब्सॉर्ब दिस सब्सटेंसेस एंड यूज देम टू मेक ए प्रोटीन्स, वो डेड होने के बाद उसका फर्टिलाइजर बन जाएगा, मैन्यूअर बन जाएगा, एंड वो जो मैन्यूअर है नेक्स्ट वाली क्रॉप को यूटिलाइज हो जाएगा, नेक्स्ट वाली क्रॉप उसमें से नाइट्रोजन ले लेगी। तो नेचर क्या करता है अपने नाइट्रोजन के साइकिल को बैलेंस करके रखता है। हाउ आर द प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो कंटिन्यूसली कंज्यूम होते रहते हैं, फिर हम उन्हें रिप्लेनिश कैसे करेंगे। मैन्यूअर इज डिकम्पोज बाय प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, मैन्यूअर जो है डिकम्पोज होता है प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से। मैन्यूअर का मतलब ही प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है, इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक अच्छा फर्टिलाइजर भी होता है। द सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग ए मैन्यूअर, और सॉइल को हम अच्छा फर्टाइल बना सकते हैं, अच्छी क्रॉप उसमें उगा सकते हैं बाय एडिंग ए मैन्यूअर, अगर हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो। केमिकल फर्टिलाइजर सच एज यूरिया कंटेनिंग ए नाइट्रोजन सब्सटेंसेस आर ऑल्सो एडेड टू द सॉइल, कभी कभी हम यूरिया भी ऐड करते हैं जिसकी वजह से प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आफ्टर ग्रोइंग सच ए क्रॉप सच एज वीट राइस, फार्मर्स यूजुअली ग्रो ए क्रॉप सच एज बीन पी ग्राम टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हम अगर खेत में एक ही तरह का प्लांट उगाते हैं तो खेत की जो फर्टिलिटी है कम होती जाती है। अगर हमें खेत की फर्टिलिटी टिकानी है तो हमें एक के बाद एक अलग अलग प्लांट्स लेने पड़ेंगे, प्लांट्स को रोटेशन में, क्रॉप को रोटेशन में लेना पड़ेगा, इसे क्रॉप रोटेशन भी बोला जाता है। ये इस टेक्निक से खेत की जो है फर्टिलिटी हमेशा बनी रहती है और सॉइल आपकी फर्टाइल रहती है। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज ए रोटेशन ऑफ ए क्रॉप, दिस क्रॉप्स प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन सब्सटेंसेस इन द रूट्स एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इसके साथ साथ प्लांट्स कुछ अलग अलग प्लांट जो है उनमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट्स है, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स
फॉर फूड एंड वाटर सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट. कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है उन्हें पैरासाइटिक प्लांट बोला जाता है. द प्लांट ऑन विच पैरासाइटिक प्लांट ग्रोज इज कॉल्ड एज होस्ट प्लांट. ये पैरासाइटिक प्लांट जो है जिस भी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी उसे होस्ट प्लांट बोला जाता है. ये होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन के जैसे ही है. चलो फिर आगे चले जाते हैं. द पैरासाइटिक प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स दैट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट एंड एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट. पैरासाइटिक प्लांट डैमेजेस द होस्ट प्लांट. पैरासाइटिक प्लांट को एक स्पेशल रूट्स है जो होस्ट के अंदर जाके उसका जूस जो है चूस लेती है, जिसकी वजह से होस्ट प्लांट को डैमेज होता है, उसकी डेड होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कस्क्यूटा एंड मिस्टलेटवी. दीज आर द पैरासिटिक प्लांट. अगर हम कस्क्यूटा की बात करें तो कस्क्यूटा आपको अच्छे से पता है ये येलो कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कुछ गांठ जैसा उसके फ्लावर आ जाता है, सीड आ जाता है. देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. इसका कलर येलो होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. दे डिपेंड टोटली ऑन द होस्ट प्लांट एंड फॉर फूड एंड वाटर सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज ए टोटल पैरासाइट. पूरा की पूरा खाना वो होस्ट से ही लेती है. द टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स किल्स द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज. जिस भी प्लांट पे ये ग्रो करती है उसे पूरा डेड कर देती है. और एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मिस्टलेटवी. इट इज़ पैरासाइटिक प्लांट बट इट इज़ नॉट ए टोटल पैरासाइटिक. ये टोटल पैरासाइटिक बिल्कुल नहीं है. इट ग्रोज ऑन ए ट्री सच एज अ मैंगो टीक. इट हैज़ ए क्लोरोफिल एंड मेक सम ऑफ द फूड बट डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट फॉर ए वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट. ये अपना खाना तो खुद बना लेती है बट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए ये प्लांट्स भी होस्ट पे डिपेंड रहती है. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज ए पार्शियल पैरासाइट्स. आपने एक बहुत ही अच्छी बात देखी होगी कि बहुत सारी बार नेचर में इंसेक्ट्स को किल करने वाले प्लांट्स भी होते हैं. जैसे ये इंसेक्ट्स इनके लीव्स के पास चले जाते हैं, ये लीव्स एक ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसके अंदर ये इंसेक्ट्स फंस जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप. चलो तो इन्हीं प्लांट्स की तरफ आ जाते हैं. इंसेक्टिवरस प्लांट्स. व्हाट आर दिस प्लांट्स सच एज द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट्स आर अडाप्टेड टू ग्रो इन ए सॉइल दैट डज नॉट हैव इनफ मिनरल्स. अगर सॉइल में इनफ मिनरल्स नहीं है सो ऐसी प्लांट्स क्या करती है, इंसेक्ट को खा के अपने मिनरल्स ऑब्टेन करती है. ऐसे इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी होते हैं और ये अपना खाना खुद भी बना सकती है. इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, वो आता है सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स एक मशरूम का क्राइटेरिया है. सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर डीके हो जाता है उसके ऊपर ही अपना खाना खुद बना लेती है. मोनोट्रोपा इज ए सैप्रोफाइटिक प्लांट. फंगी आर द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. दे आर नॉट ए प्लांट्स. दे ग्रो ऑन ए वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करती है. यू विल फाइंड फंगी ऑन ए डैम्प पीसेस ऑफ ए लेदर और राइप फ्रूट्स स्टेल ब्रेड एंड पिकल्स. मशरूम्स आर टाइप ऑफ ए फंगी. ये आपने अलग अलग जो फेंकी हुई चीज़ें रहती है, कचरा जो रहता है उसके ऊपर ग्रो करते हुए देखे होंगे. जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर बहुत सारी, अगर ब्रेड को आप एक डिब्बे में वैसे ही रखोगे तो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर फंगस लग जाती है. आपने बहुत सारे प्लांट ट्रंक के ऊपर भी देखा होगा अलग अलग कलर की फंगस उसके ऊपर ग्रो कर जाती है, जिसे हम मशरूम बोलते हैं. बट सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते. कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं तो कुछ मशरूम्स अच्छे भी होते हैं. और एक टाइप की प्लांट है जिसे हम बोलते हैं लाइकेंस. ये शेयर करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को. लाइकेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ. इसके अंदर लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है. लाइकेन इज कंपोज्ड ऑफ ए टू पॉसिबली इवन थ्री डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म. इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म से दो या तीन भी हो सकते हैं. वन इज ए काइंड ऑफ फंगस, अदर इज यूजुअली अल्गी, प्लूरल अल्गी, एंड समटाइम्स इट हैज ऑल्सो ए फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरियम. इसके अंदर कुछ फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरियम भी रहते हैं, अलगाज भी रहते हैं, एज वेल एज फंगस भी रहती है. इन दिस एसोसिएशन द अल्गा कंटेन्स ए क्लोरोफिल एंड मेक्स इट्स ओन फूड. द अल्गा शेयर्स अ फूड विद द फंगस एंड द फंगस प्रोवाइड्स ए वाटर एंड मिनरल्स टू द अल्गा. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म
वेयर ऑल ऑफ देम म्यूचुअली बेनिफिटेड इज कॉल्ड एज ए सिंपोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगा जो है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट्स है ये फूड बना के फंगस के साथ शेयर करती है, फंगस जो है ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर शेयर करता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअली बेनिफिट करके ग्रो करते हैं ऐसे एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। खत्म हो गया।